मैंने एक श्लोक सुना है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुः कृपा। गुरु से ऊपर कोई स्थान दिया नहीं गया है शिक्षा के स्तर में। कहते हैं कि गुरुजी भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम होते नहीं हैं। भगवान से डायरेक्ट हमारा वास्ता करवा देते हैं, मिला देते हैं। और ऐसा मैंने बहुत बार अपने जीवन में महसूस किया है, ये फील किया है कि जो टीचर्स हमारे आगे करते हैं ना, उन्हीं को हम लोग अनुसरण करने लग जाते हैं। न जाने क्यों अपने आप वो चीज़ें हमारे अंदर हैबिचुअल, हमारे अंदर आदत आने लग जाती है। और ये चीज़ मैंने खुद जब स्टूडेंट था तब भी महसूस की थी, आज एक टीचर हूँ तो भी महसूस कर रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तब मैं ये महसूस करता था कि जैसे मेरी क्लास में टीचर आते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस गेस्चर से बोलते हैं, या जो तरीके से वो पढ़ाते हैं, या जो शब्द वो यूज़ करते हैं, वो मेरी ज़ुबान पे चढ़ जाते थे। और उन्हीं को ही धीरे धीरे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता रहा मैं। हालांकि गुरुओं की कृपा इतनी अच्छी रही कि मुझे उस समय बहुत ज़्यादा ऐसी दिक्कत महसूस नहीं हुई, और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मुझे, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे फ़िल्टर करना पड़ा, सभी टीचर ही बेचारे बहुत अच्छे रहे थे मेरी लाइफ में, या मुझे कोई ऐसी और कोई गलत चीज़ तो दिखाई दी ही नहीं थी उस समय पर। अच्छा, आज मैं टीचर हूँ तो मैं क्लास में जब भी जाता हूँ, तो ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, तो तकरीबन मैं राधे राधे बोलता हूँ। मैं एक बार वृंदावन गया था तो हर कोई वहाँ पर एक दूसरे को राधे राधे करके संबोधित कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी राधे राधे स्टार्ट कर दिया बोलना। साइंस के प्रस्पेक्टिव देखा जाए तो हमारे ब्रेन में इस शब्द से वाइब्रेशन होती है, तो वो करके भी ठीक है। तो तर्क वितर्क भी नहीं होता है, कोई खास बड़ी बात नहीं है, साइंस का विद्यार्थी भी तर्क नहीं कर सकता है, तो एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। और कई जगह से प्रमाणित है कि शब्द गलत नहीं है, बोला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी राम राम हो जाता है, कभी राधे राधे हो जाता है, कभी ओम नमः शिवाय जय महाकाल हो जाता है। तो ठीक है, मैं लगभग इन्हीं शब्दों से क्लास को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये अनुसरण किया कि जितने भी मुझसे ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए होते हैं या ऑनलाइन जुड़े हुए होते हैं, तो मुझसे वो पहला मैसेज ना नमस्ते गुड मॉर्निंग से ज़्यादा, मतलब ये भी होता है, लेकिन अगर 100% में से देखूँ 80-90% ये रहता है कि राधे राधे सर। ऑफलाइन में तो लगभग राधे राधे सर, इवन कुछ बच्चों ने तो राधे राधे सर नाम भी रख रखा है कि कौन से सर, करंट अफेयर वाले, कंप्यूटर जीके वाले, नहीं वो राधे राधे सर है। ठीक है, तो ये अनुसरण हो गया, वो सर ऐसा करते हैं हम भी ऐसा करेंगे, सर 5 बजे उठ के वीडियो डाल सकते हैं तो हम भी 5 बजे उठ के पढ़ भी सकते हैं। सच में अनुसरण करते हैं बच्चे। एक टीचर थे, मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा, पर मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ाते थे, सिगरेट पिया करते थे वो, जैसे क्लास ऑफ होती थी, ठीक है उनकी पर्सनल लाइफ है, और भी टीचर्स पीते थे, लेकिन वो अकेले स्टाफ रूम में पीते थे, लेकिन वो बाहर ओपन पीते थे। मैंने एक दिन कहा कि देखो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप सबके सामने सिगरेट पियो और आपके पास में से कोई लड़का लड़की गुजर रहा है और आप ही का विद्यार्थी है, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। कहते मेरी लाइफ है सर, मेरा पैसा है। उनका बिल्कुल आपका पैसा है, पर पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत गलत तरीके से रिप्रेजेंट करो, वो अच्छा नहीं लगता है। पैसा है तो पैसे के यूजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं, और इस तरीके से अगर आपको पीना ही है तो आप स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स भी तो पी रहे हैं, उनकी तरह पी सकते हो। आप लोग एक दो टीचर्स और भी थे जो ऐसा स्मोकिंग करते थे, तो भाई ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, तुमसे रहा गलत है एक टीचर के मामले में, मैं मानता हूँ। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, जब भी मैं कहता हूँ कि तुम चाय भी मत पियो, तो वो काम मैं खुद करता हूँ कि मैंने आज तक जन्म से कभी चाय भी नहीं पी, इवन मेरे घर में भी कोई नहीं पीता है। तो मैं ये कहने लायक बड़ा बुलंद आवाज में कह सकता हूँ कि भैया तुम चाय भी मत पीजिएगा, आदत मत लगाइएगा। कहने का मतलब है कि एक आदत है वो गलत है, और कोई बड़ी बात नहीं, चाय बुरी नहीं हो सकती क्या पता, पर बात यह है कि आदत की, कि मुझे सुबह चाहिए, दोपहर चाहिए, शाम चाहिए। तो तुम बच्चों को क्या शिक्षा दोगे, क्या ही तुम्हारा वो बच्चा मानेगा, किस बुलंद आवाज में कहोगे? मैं कहूंगा तो मुझे कोई चाय पीता पकड़े तो फिर कह दे क्या है ये, ज्ञानों को देने की कोशिश करो आप, तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। ज्ञान तो मैं दूं तब जब मेरे पास वो चीज़ हो। ठीक है सर, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद मेरे स्टार IQ यूट्यूब चैनल की पहली इस तरीके की वीडियो होगी, बहुत ही अश्लील वीडियो हो सकती है कह सकता हूँ, हो सकता है किसी परिवार या बहन देखे तो थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा। ये एक दो टीचर ने और ने भी इसके बारे में बात की है, ठीक है ना, मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी इस पर थोड़ा बात करना चाहिए। ज़रूरी इसलिए है कि एक तो आप कुछ टीचर्स हैं यूट्यूब पे आजकल, यकीनन आप सबने इनको देख लिया होगा, इनको रिपोर्ट कर सकते हैं आप, ज़रूर करिएगा, क्योंकि इन्होंने फूढ़ता की सच में हद मचा रखी है, सीरियसली हद मचा रखी है। ये टीचर हैं, अरे लगता ही नहीं है कि ये टीचर हैं क्या।
ये वीडियो आपके आगे भी सबके आगे ज़रूर आई होगी, इन मोहतरमाओं की, इन लोगों की वीडियो आई होगी आगे, ठीक है ना। ये क्या टीचर हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ा देखा इनके बारे में, इनके नाम एक का तो देखा था मैंने, एक का तो नाम था इस पे कोई शर्मा शर्मा थी, विदु शर्मा करके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा कारण क्या है, ठीक है ना। यहाँ YouTube पे आके सर्च करते हैं चलो हम, ठीक है ना। ये देखिएगा आप लोग, ये टीचर हैं, ठीक है ना। इनकी वीडियो आपके आगे ज़रूर आई होगी, ठीक है ना, जब आप सर्च करेंगे तो। अच्छा, जब इनको सर्च करेंगे आप तो इनका ये चैनल है, इनके ऊपर मैंने क्लिक किया, विदु ब्लॉग, ठीक है। व्लॉग बनाओ आप, आपकी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, मैं भी कई बार बनाता हूँ, पर मैं जर्नली व्लॉग, मुझे, मैं आजकल ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल लोग व्लॉग के भी बड़े एडिक्टेड हो रहे हैं। वो व्लॉग भी मत देखो जो अपने बारे में बताते हैं, लो भी चलो मैं नहाने जा रहा हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, क्या मतलब है इस चीज़ का? क्या तुम वो काम नहीं करते क्या? क्या तुम सोते नहीं हो क्या? क्या तुम नहाते नहीं हो क्या? क्या तुम शॉपिंग नहीं करते हो क्या? उसका क्या लेना देना है? व्लॉग देख सकते हो, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स होते हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक सोलर एनर्जी पे एक इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बनाया था कि सोलर एनर्जी किस तरीके से काम करती है हमारे लिए। मैंने घर पे एक सेटअप लगाया, कैसे आप अपने घर पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो। या कोई ट्रैवलर व्लॉग है वो देख सकते हो आप लोग, कोई फूडी व्लॉग है जो आपको कुछ नॉलेज दे रहा है वो तो देखो, लेकिन ऐसे फूड लोगों को क्यों फॉलो कर रहे हो फालतू में? मिलियन बिलियन उनके व्यूज़ डाल रहे हो, मैं ससुराल गई, मेरे ये हो गया, बहुत सारे व्लॉग्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा अभी, ठीक है ना। ये जो अध्यापिका हैं, अपने आप को जो टीचर्स कहती हैं, मैंने इनकी वीडियोस पे क्लिक किया तो वीडियोस को देखा तो यहाँ पे इनकी कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं दिखी मुझे। भैया भाभी ने दिया मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट, माय फर्स्ट व्लॉग, महिंद्रा ट्रांडिंग जो शूज़ व्लॉग्स वगैरह, पापा के साथ गया घूमने, मेरा साथ ही ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ये ठीक है। जब मैं इनकी शॉर्ट्स पे क्लिक किया तो पढ़ाती मैम केवल और केवल शॉर्ट्स में है, वीडियो में नहीं पढ़ाती मैम, मैम केवल और केवल शॉर्ट्स में पढ़ाती है, कुछ सेकंड, 30 सेकंड पढ़ाती है। लेकिन जब पढ़ाती हैं ये मोहतरमा तो इनके पढ़ाने पर ध्यान नहीं जाता, बस बात ये है, जब पढ़ाती हैं तो कहीं और ही ध्यान रहता है, बस क्या ही करें, ठीक है ना। ये पढ़ाने पे एक्चुअली इनका फोकस ही नहीं है, क्या ही करें, ठीक है ना। पढ़ाने का इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पढ़ा नहीं रही है, पता नहीं कुछ और ही शो ऑफ कर रही है, ठीक है ना। राम जाने इनका मतलब क्या ही है। एक तो ये मोहतरमा है, एक मोहतरमा के पास और लेके चलता हूँ, उसने तो सीरियसली हद मचा दी है, ठीक है ना। मधु सिंह करके कोई नाम होगा उनका, ठीक है ना। YouTube भी शायद देखो पहले नंबर पे दिखा रहा है मधु नाम लिखते ही, ठीक है ना, लीजिएगा मधु सिंह ऑफिशियल, ठीक है ना। इन्होंने तो अपना पहला एक वीडियो कुछ इस तरीके से दिखाया, ऐसा टीचर मैंने भी आज तक कभी बताया नहीं अपने बारे में। नाम मधु सिंह है, उम्र 37 वर्ष, चलो उम्र बता देता हूँ, चलता हूँ। रंग बहुत गोरा, बताओ भैया आप, मेरा रंग काला हो, गोरा हो, जेड ब्लैक हो, कैसा ही हो, आप मुझसे पढ़ने मेरे रंग की वजह से आएंगे क्या? आप मुझसे पढ़ने आएंगे, टीचर्स का मतलब ये होता है कि आप मुझसे इसलिए पढ़ने आएंगे कि आप मेरी टीचिंग स्किल्स को जान पाओ। ये कहीं नहीं लिखा होता कि मैंने पढ़ाया तो वो आपका सब कुछ पेपर में आए, या मैंने पढ़ाया उसमें से कुछ भी पेपर में ना आए, इन दोनों बातों का कोई मायना नहीं है। टीचिंग का मतलब ये है कि मैं आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करवा दूँ, मैं आपको सब्जेक्ट से जोड़ दूँ, सब्जेक्ट में रुचि पैदा करवा दूँ, और अगर मैं ये करने में काबिल रहा ना तो सोचिएगा आप सक्सेस हो जाएंगे उस दिन। क्योंकि मैं कितना ही बेहतरीन पढ़ाऊं पर मेरे पढ़ाने में जो रुचि नहीं डाल रहा, मैं सब्जेक्ट में रुचि नहीं डाल रहा, आप उस सब्जेक्ट को जुड़ेंगे नहीं, कभी टच ही नहीं कर पाएंगे। और मैं कितना ही बेहतरीन पढ़ा दूं, मेरा कंटेंट A1 है, पेपर में भी सब कुछ आता है, लेकिन मैं बोरिंग बहुत हूं, उसका कोई मतलब नहीं। रुचि पैदा करूंगा तो खुद ही पढ़ लोगे, तुम भाग भाग के पढ़ोगे, दिन रात किताब लेके बैठोगे। तो टीचिंग का तो मतलब ये होता है, अगर सही मायने में कोई देखे तो। कोचिंग का हिंदी ही यही होता है, प्रशिक्षण होता है, वरना बार बार कोचिंग पे जाते रहो, मैं तो हर बार कहता हूँ बुलाती रहो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। कोचिंगों पर बार बार नहीं, एक बार जाइएगा जीवन में बहुत है। टीचिंग स्किल्स सीख चुके हो, मतलब आप सीख चुके हो पढ़ना क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, बस बात खत्म, सेल्फ स्टडी करिएगा, दिल लगा के बात ही खत्म, हो क्या रह गया। रंग बहुत गोरा है, चलिए सर, कास्ट राजपूत है, वजन 49 किलो, बताओ मेरे वजन का तुम्हें पढ़ाई का क्या लेना देना है? मैं पहले बहुत पतला सा होता था, मेरी वीडियो आप देखोगे तो, अब मैं थोड़ा भारी हो गया हूँ, हो सकता है भविष्य में और भारी हो जाऊँ, पतला हो जाऊँ, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे ऊपर बैठ के पढ़ाना है या मैंने कि तुम्हारे मैं पेट पे छाती पे बैठ के फिर मैं तुम्हारा गला दबा के फिर पढ़ाऊंगा, क्या ही मतलब है मेरे वजन का भैया? शिक्षा एमए के बाद पता नहीं अच्छा क्या किया राम जाने, जॉब सरकारी टीचर है, लो हे प्रभु, सैलरी इनको 50,000 दी जा रही है, ठीक है ना। इंग्लिश में भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा है अपने बारे में, अच्छा किया आपने, ठीक है ना। अच्छा जी, और इनके जो वीडियोस हैं वो तो भैया अब क्या ही कहा जाए, इन्होंने तो क्या ही कमाल कर दिया है, क्या ही, तो इन्होंने जो है ना
फूर्ता दिखाई है अपने वीडियोस में, कहा ही क्या जा सकता है। ऐसे कपड़े दिखाने की कला हो तो ऐसी कि कोई देखना भी जाएगा, क्या दिखाने की कला है, तुम क्या दिखाना चाहते हो। मेरे आगे ये वीडियो आई थी मास्क पहने हुए, मैंने कहा यार भाई कोरोना तो चला गया, इतना मास्क से प्रेमी कौन है। हालांकि मैं भी मास्क का यूज़ करता हूं, लेकिन तब जब मैं मार्केट में निकलता हूं बाहर, ठीक है, जापान के अंदर एक कल्चर है, आज भी है, स्वाइन फ्लू आया था 2009-10 में वहां पे, तो उसके बाद उन लोगों ने अपने 10 में से 8-6 लोग ऐसे हैं जो आज भी मार्केट में निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलते हैं। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, आप अपने एयर पोल्यूशन का भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है, चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके आगे क्लास में आऊँ, क्लास में आके मास्क पहनूँ। मेरा स्टूडियो में वैसे मैं अकेला ही रहता हूँ, तो कोई नोट बिग डील, कार चला रहा हूँ तो मास्क है, कार में अकेला बैठा हूँ तो क्या, तो मास्क की जरूरत है मुझे। क्लास में तो क्यों जरूरत है, कैमरा कौन सा कोरोना वायरस फेंक रहा है मेरे आगे या कोई और वायरस फेंक रहा है। तो मैंने इस क्यूरियोसिटी के कारण वीडियो पे क्लिक किया, तो मेरी क्यूरियोसिटी तो मास्क की थी, लेकिन मुझे तो हे प्रभु क्या ही तो दिखा। शायद अच्छा होता कि मुंह की बजाय तन पे कपड़ा पहना होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हमें, ठीक है ना। क्या इनके माँ बाप, इनके रिश्तेदार इनको ये अलाउ करते हैं, वो विदु शर्मा माँ बाप इनको ये अलाउ करते हैं, इनके मम्मी पापा वीडियो नहीं देखते क्या। ठीक है, माना यूट्यूब से पैसे आते हैं, मैं मानता हूँ यूट्यूब से पैसे आते हैं, हर महीने की 21 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो क्या मतलब पैसे से इतना ज़रूरी हो गया कि आप कुछ भी करेंगे। ऐसा ही काम आजकल इंस्टाग्राम की रील का हो रखा है, लड़कियां छोटी छोटी बच्चियां प्लस टू की मतलब बीए की, आप रील बनाओ अच्छी बात है, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, रील्स बनाओ अच्छी बात है, लेकिन नहीं यार आप दिखाना क्या चाहते हो, अच्छा लगता है क्या यूँ, समाज है एक अच्छा है आपका, तो ये फूर्ता हो सकता है। आप मुझे इसमें थोड़ा गलत समझे, सोचे कि सुनील सर नैरो माइंडेड है, ऐसे कपड़ों पे सर आज टिप्पणी कर रहे हैं, शायद लगता है कि मैं नैरो माइंडेड हूँ इस मामले में। तो मैं आज अपने फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि सुनील सर आप पढ़ाते अच्छा हैं, आपका कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन आपके सब्सक्राइबर अभी तक 1,00,000 नहीं हुए। ये मुझे अभी 2-3 दिन पहले भी किसी ने रिसेंट बोला है, अभी एक बार नहीं बोला, ये कई बार बोला है मुझे, ऐसा क्यों है सर। मैंने कहा देखो ऐसा है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जो मेरा स्टूडेंट है शायद उसको समझ में आती है, कोई भी बात अगर फालतू करता है, कोई लड़की पे लड़के पे कुछ कमेंट कर देता है, मैं उसको ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर देता हूँ। कोई भी गलत कुछ करता है उसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, कुछ भी शरारत करता है, सामने बोलने की जदोहद करता है। आजकल लोग बच्चे जुबान लड़ाते हैं, पहले होते थे टीचर्स, तो टीचर्स मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक वायरल हो रहा था, ठीक है ना, यूपी टीचर कोई वायरल हो रहे थे, ठीक है ना, यूपी के टीचर जो है ना, वैकेंसी कहाँ गए, ठीक है ना, यूपी के टीचर का कोई वीडियो वायरल हुआ था जो स्कूल से छोड़े थे आपके, ठीक है ना, आई थिंक कहीं आ जाए शायद ये वीडियो, आई थिंक, ठीक है ना, नहीं शायद ये तो वीडियो नहीं है, ठीक है ना, ये भी कुछ और लेवल का वीडियो था शायद, ठीक है ना, ये वीडियो है, टीचर जो है ना फायर जब जा रहे थे टीचर, ठीक है ना, जब फेयरवेल हो रहा था तो बच्चे रो रहे थे, ठीक है ना। मैं मानता हूँ ये होती है वीडियो, ठीक है ना, मतलब इनको आप लोग कह सकते हो कि ये वीडियो, इस तरीके से बच्चे चिपट चिपट के कमाओ तो इज्जत, ये हो सकती है एक टीचर के जिंदगी के अंदर। मतलब तुम्हें क्या लगता है प्यार कोई इसी से करेगा, वायरल तुम इसी चीज़ से हो गए, ये भी वायरल है भाई, मैंने तो यूपी टीचर वायरल लिखा है यूट्यूब पे, आ गया वीडियो मेरे आगे। ऐसे एक दो वीडियो और भी हैं, ऐसे नहीं कि अकेले ही हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे करने वाले हैं, बहुत सारे, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब मेरा जो है ना वो शायद तुम लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। इन चीज़ों को मैं बार बार प्ले नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अब थोड़ी नसीहत देना चाहता हूँ। पढ़ाता ही हूँ और पढ़ाने के अलावा मुझे और कोई काम आते भी नहीं है, मैं ना कोई काम करता ना ही कोई, आपको पता है इस चैनल पे मैं खास वीडियो कोई लेके आता पढ़ाने के अलावा, या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकता हूँ जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है स्टडी के अलावा, अदरवाइज़ तो कोई ज़्यादा वीडियो नहीं लेके आता, ना ही कोई मैं ज़्यादा मोटिवेशन पे बात करता, क्योंकि मुझे लगता है एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा अप मोटिवेशन भी काम का नहीं होता, क्योंकि बहुत हैप्पीनेस अगर आपके पास आती है तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, और बहुत ज़्यादा डाउन अगर आ जाते हो तो भी आप नहीं पढ़ पाते। मैं मानता हूँ सामान्य रहिएगा, सामान्य जीवन का बहुत अच्छा रूल है, बहुत ज़्यादा हैप्पी मत होइएगा, बहुत ज़्यादा नाराज मत होइएगा, सामान्य चलिएगा। मैं वाकई आपको वादा कर सकता हूँ कि आप जीवन में कामयाब हो जाएंगे। फुल मोटिवेशन काम का नहीं है तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हर दिन आप वीडियो देखो इतने सारे मोटिवेट हो जाओ कि मोटिवेशन वीडियो देखो, उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। क्योंकि आप एक बात सोचो, घर में शादी ब्याह हो, डीजे बज रहा हो, बहुत हैप्पीनेस हो, तो कब आप किताब लेके चीज़ों को पढ़ पाएं, नहीं हो पाता। सामान्य ही जीवन अच्छा है, ऐसा मेरी फिलॉसफी है। बाकी देखो आप अपने लेवल पे अलग अलग तरीके इसके निकाल सकते हो, इसमें भी कोई खास नुकसान नहीं है।
ऐसे चीजों हमारे आगे ना आए इसके लिए इसमें ऑप्शन होता है कि ये कांट रिकमेंड, हमें ये चैनल रिकमेंड ना किया जाए, कुछ इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है ना। जैसे इस पे ही हो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कोई भी वीडियो आप देखोगे ना उसके ऊपर आएगा ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको तो हम नहीं करेंगे, बाकी और मतलब उनको आप देखोगे तो ऐसा ऑप्शन रहता है कि आप इसको रिकमेंड ना करें ताकि भविष्य में वो आपके आगे ना आए, इनको रिपोर्ट भी कर दें। ये पढ़ा क्या रहे हैं उनका कोई मतलब ही नहीं है, राम ही जाने क्या पढ़ा रहे होते हैं ये, ठीक है ना। अब कोई टीचर पढ़ा रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मुझे समझ ही नहीं आया कि इनका पढ़ाना क्या है, ये क्या चीज़ें मतलब इनका प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बल्कि YouTube भी कह रहे हैं कि ये वीडियो कुछ इश्यू के कारण जो है ना चल नहीं पाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं चल पाएगा तो, ठीक है ना। क्या ही इनका जो ना संत संप्रदाय, अब ये संत संप्रदाय पढ़ा रहे हैं, मतलब टॉपिक तो इन्होंने बहुत अच्छा लिया है, ठीक है ना, लेकिन इनका जो तरीका है या इनके जो कपड़े हैं तो ठीक है ना, क्या ही कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो मुद्दा ये है हमारा यहाँ पे कि कपड़ों का विशेष ध्यान, कपड़ों पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना भी नैरो माइंडेड नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कपड़ों पे तो नैरो माइंडेड होना बनता है मेरे टीचिंग फील्ड के लिए। तो आप हमारा अनुसरण करेंगे, आप हमें देख के जिएंगे, आप एक गुरु को शिक्षा लेके ही आगे जीवन में आगे जाएंगे, ठीक है ना। कोई कहता है सर जी बाबू सोना मोना जादू टोना इन पे एक दो मजाक चलता है, ठीक है भैया, एज ऐसी है कि थोड़ा बहुत मजाक चलता है, हम भी कभी कभार कर लिया करते हैं, अक्सर ऐसा नहीं पसंद है लेकिन कभी कभार कर लिया करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि पूरी घंटों की क्लास इसमें बिताई जाए, कंटेंट बहुत ज़रूरी है। सर कहते हैं बोर हो जाते हैं बच्चे इसलिए, हम ऐसा एक टीचर ऐसे थे मन को जी कहते बोर हो जाते हैं इसलिए, मगर तुम्हारे कंटेंट में दम होना चाहिए, तुम्हारे टीचिंग स्किल में दम होना चाहिए, कैसे कोई बोर होकर दिखा दे। मैं 4 घंटे पढ़ाऊंगा लगातार, ठीक है ना, और ऐसा पढ़ाऊंगा कि बच्चा उठ के नहीं जाएगा, बस मेरी बातों में रहेगा वो। जरूरी थोड़ना है कि अरे बाबू सोना वाले मजाक होते हैं, टॉपिक में तो बहुत मजाक होते हैं, कौन कहता टॉपिक में मजाक नहीं होता। बायोलॉजी है पढ़ो, कितना तो अजीब सब मुश्किल टफ सब्जेक्ट है, मतलब वर्ड्स वाइज बड़े टफ सब वर्ड्स है इसमें, पढ़ो ध्यान से एक बार, आनंद आएगा। इंटरेस्ट तो चीजों में लाया जा सकता है, तरीका हो सकता है, आप उस पर काम करो ना, काम करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कोई अलग से सुपर पावर है, भाई मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी रातों को जागता हूँ, कोई रात ऐसी नहीं निकलती मेरी जिसमें मैं 2-3 बजे से पहले कभी सोया हुआ हो, ठीक है ना, और बहुत ही कम घंटे में सोता हूँ, मेरी आंखों में लगभग स्वेलिंग रहती है, मेहनत करता हूँ भैया, ठीक है ना। तो मेरे चैनल पे 60,000 हो चाहे 70,000 हो चाहे 90,000 हो, जितने हैं उतने जेम्स हैं मेरे चैनल पे, जो भी हैं सारे के सारे हीरे मोती हैं, डायमंड है, क्योंकि उनको फुहड़ता नहीं आती। भले क्या फ़र्क पड़ता है, 5 लाख हो लोग हो, उसमें से 1 लाख लोग आपको गालियां दे, उनको इज्जत नहीं करनी आती, वो बोलना नहीं आता, बकवास बोलते हैं, और इस वजह से क्या ही तो फ़ायदा, 2 लाख करके 5 ऐसा धन कमा के फिर कहाँ जाएंगे, रोटी तो तुमने भी 2 ही खानी है, हमने भी 2 ही खानी, क्या ही फ़र्क पड़ना है। लग्जरियस लाइफ क्या होती है, लग्जरियस लाइफ कुछ नहीं होते, ये तो कहने का मोह माया है। यूं लोग वैसे भाग रहे हैं कि हाय तोबा करने के लिए, जितना है इक्वली शांति नहीं है ना, तो चाहे करोड़ कमा लो कुछ भी नहीं मिल रहा। जहाँ शांति आ गई ना, जिस दिन सब्र आ गया जिसके भी मन में, चाहे ये कोई पढ़ने वाला विद्यार्थी हो चाहे पढ़ाने वाला अध्यापक हो, कोई भी हो, जिसके शांति पड़ गई ना, शांति शब्द सीख लिया कि सब्र है कि हाँ ठीक है, उस दिन समझ लेना कि बहुत कुछ मिल जाएगा, अपने आप ही चीज़ें आती रहेगी। सब्र नहीं है तो फिर तो भटकते रहो, पैसा भी चीज़ें भी, ये भी ले लूँ वो भी हो, ऐसा भी हो ऐसा भी हो, इसका कोई मोल नहीं है। सब्र रखो बहुत ज़रूरी है, अच्छे रहो सीधे रहो, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सर चलो फॉरेन कंट्री में ऐसा होता, भाई तुम उस कंट्री में हो नहीं यार, तुम यार फॉरेन कंट्री में मुझे नहीं लगता इस तरीके से बहुत ही फुहड़ता से कोई पढ़ाता हो, इतनी वाहियात तरीके से तो कुछ नहीं करता होगा। तो पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है, अगर आप ऐसे में से कोई हैं, कोई रील वील बनाते हैं या इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं, या किसी टीचर्स को या अपने बड़े का अपमान करते हैं, तो आप बहुत गलत है, प्लीज़ सुधर जाइएगा। आपका टीचर है उसके साथ आपको बोलने का तरीका पता होना चाहिए, सलीका पता होना चाहिए, अपने माँ बाप गुरु का सम्मान करना आना चाहिए, बड़े प्यार से लहजे से। जुबान लड़ाना अच्छा नहीं होता है किसी अपने से बड़े के साथ में, जुबान लड़ाना बंद करिएगा, तर्क वितर्क ना करें। आपको बातें कहनी है तो उनको आप आराम से कहिएगा, मीठा बोल के कहेंगे तो कोई भी मान जाएगा, अपने जुबान में रस घोलें। अगर कामयाब होना है ज़िंदगी में, एक अच्छा बनना है ना, तो अपने जुबान को सुधारो। इसमें किसी को गालियां दे देना, किसी को कुछ कह देना, किसी को तुकारा, किसी को चिकारा, धक्का मारना, तोड़ना मरोड़ना, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, इनसे आप कोई बड़े नहीं बन जाएंगे, किसी को नीचा दिखा के आप कभी बड़े बन ही नहीं सकते हैं। तो आप कोशिश ये करें कि धीरे धीरे सुधार लाएं, एकदम लाना ये आसान नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ धीरे धीरे लाएं।
हो सकता है ये गलतियां कभी हमने भी की हो, लेकिन धीरे 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 बदलाव लाया जा सकता है। तो प्लीज इन बदलाव पे लाने की कोशिश करें, काम हो करेंगे तो काम हो भी जाएगा। अपने से बड़ों का खूब इज्जत करें, अपने से जो भी छोटे मिले उनको खूब प्यार करें, और इस तरीके का थोड़ा कैरेक्टर सेट कर लें आप कि आपके साथ में हर कोई महसूस करे, खासतौर पर महिलाएं आपके साथ बड़ा सेफ महसूस करें कि हाँ भाई इनके साथ में भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ व्यक्तित्व अपना जीवन का बनाएं, ठीक है ना। अच्छे रहेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस इतनी ही बातों के लिए ये वीडियो लेके आया था। मेरे ख्याल से तुम समझ गए हैं, कुछ बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा भाई। हो सकता है मैं तुमसे बड़ा ना हूँ, छोटा ही हूँ, लेकिन मुझे जो लगा, एक दो अध्यापक और भी इस पर बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि मुझे भी अपने विद्यार्थियों के साथ में कुछ ऐसी बातें साझी करनी चाहिए। थोड़ा ख्याल रखिएगा, हालांकि थोड़ा सा वीडियो का लेवल अलग है, अश्लीलता हो सकती थी इसमें, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए ज़रूरी था, समझे आप लोग। व्लॉग वाले पे बात एक दिन मैं अलग से करता हूँ, उसके वो भी बहुत ज़रूरी है बात करना। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, व्यवहार भी बहुत ज़रूरी है सीखना आपको, ठीक है ना। चलिए शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल रखना आप लोग, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, मैं तो यही कहता हूँ। और तो दुआएं काम आए ना आए, लेकिन जिस दिन ये अच्छी मिल गई हमें तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यकीनन मेरे चैनल के जितने भी व्यूवर हैं, मैं उनको बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि भगवान की दया से 99.99% किसी ने कोई फूटता नहीं दिखाई, बहुत ही इज्जत से आप बात करते हो, तो मैं उसका तहे दिल से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, बल्कि हाथ जोड़ के शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आप बहुत ही गरिमा में तरीके से मुझसे बात करते हैं, चाहे टेलीग्राम पे करें, चाहे व्हाट्सएप पे करें, चाहे यूट्यूब पे कमेंट के माध्यम से करें, तो शुक्रिया उसके लिए, तो धन्यवाद। ऐसे ही संस्कारी बने रहिएगा, अच्छा लगेगा, समाज में आप जाएंगे तो आपको अल्टीमेट इन चीज़ों का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, देख लेना। ये शॉर्ट टाइम लोग अच्छे हो सकते हैं, ये शॉर्ट टाइम पैसा कमा लेंगे, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये आप खुद देखिएगा, ये कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मान लो ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का केस था, थोड़े दिन खूब वायरल हुआ था, दे धड़ाम, कोई नहीं पूछ रहा। अब सीमा सुमित कुछ, सीमा सचिन क्या था, वो जो भी था वायरल, अब वो धड़ाम, कुछ हो रहा है। ये लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ें नहीं होती है। अच्छा रहना तो अच्छे लगातार रहोगे आप, हमेशा ओशो थे, कोई और संत महापुरुष भी हो सकते हैं आपके, अच्छे संत महापुरुष भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जो अच्छी वाणी शब्द है भगवान, कई सारे संत हुए हैं हमारे धरती पे। एनीवे, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, जय हिंद, प्रणाम, राधे राधे।